गांव कनेक्शन में चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त है हम मुजफ्फरपुर बिहार में और यहाँ के सबसे बड़े जो यहाँ के क्या बल्कि कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बाजारों में एक जो है वो सूतापट्टी इलाके में, और यहाँ खरीद फरोख्त तो होती है कॉटन के कपड़ों की और दूसरे तमाम तरह के कपड़ों में की, जिसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ खुद नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं खुद छापड़िया साहब। सर आप पहले बताएं कि आप जो है इस बाज़ार के बारे में बताएं, बाज़ार कितना बड़ा है और ये बाज़ार की खासियत क्या है? ये बाज़ार हम जैसा आते हैं एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे गांठ वाइज या बंडल वाइज इतना भारी कपड़ा बिकता है। इसका मुख्य कारण है कि हम सिलीगुड़ी से लेकर के गोरखपुर तक और ये इधर नेपाल में काठमांडू तक के व्यवसायियों को हम लोग डीलिंग करते हैं और उनको अपने इस माल को बेचते हैं। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है बिहार की, इसलिए यहाँ कपड़े की डिमांड भी है और खपत भी है। अच्छा, इस हिसाब से इस मंडी का ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंडी है। पहले तो इस मंडी में हजारों और बैलगाड़ियाँ लगती थी, उसके ऊपर माल जाता था। कहाँ कहाँ से लाते थे सर? हम लोग पहले कपड़ा यहाँ बम्बई से, अहमदाबाद से, सूरत से, मऊ से, टांडा से, आपको मेरठ से, अमृतसर से, इधर से सबसे लाते थे, इधर मद्रास साइड से। अब और आता है बना बनाया कपड़ा? बना बनाया कपड़ा आता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पे एक सूता भी कपड़े का उत्पादन इस शहर में नहीं है। ऐसी बड़ी मंडी को अगर आका जाए तो ये वर्ल्ड की वन नंबर मंडी है, जहाँ पे एक सूता नहीं बन करके इतना कपड़ा बिकता हो। सर क्या खास वजह है कि ये ट्रेडिंग हब बन गया? ये ऐसा है कि हम लोग यहाँ के जो दूर दराज के हमारे नज़दीक से इलाके चालू होते हैं, वो आबादी ज़्यादा है और संसाधनों की कमी होने से यहाँ पे व्यापारी आते हैं और हमारे यहाँ कपड़े का डिमांड इस प्रकार है कि उनकी पूर्ति के लिए हम लोग और बहुत नॉमिनल मार्जिन के ऊपर यहाँ कपड़ा मुहैया कराते हैं। और कपड़ा किस किस तरह का होता है? कपड़ा सूती होता है, सिंथेटिक होता है, सिल्कन होता है, साड़ी धोती वगैरह सब यहाँ पे बिकती है, पेटीकोट साया का कपड़ा, आपको ब्लाउज का, आपको मार्किन ग्रे धोती ब्लीज धोती नहीं तो सूटिंग, शर्टिंग। उसमें ऐसा भी है कि जो जिन लोगों ने इस बाज़ार को समृद्ध बनाया उसमें बहुत सारी कम्युनिटी, जिसे हम कहते हैं बाहर से आई हुई कम्युनिटी थी, जिन्होंने बसाया इसको बनाया। करीब करीब व्यापारी ज़्यादातर आज इस मंडी में है वो 90% बिलोंग राजस्थान से करते, मारवाड़ी मारवाड़ी लोग करते हैं। आप खुद एक मारवाड़ी? मैं भी मारवाड़ी हूँ, बिलोंग करते हैं। फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे हमारे भाई लोग, अभी हम भी यहाँ बिहारी हो गए और हमारे बिहारी लोग भी इस काम में लगे हुए हैं, कुछ सरदार लोग भी लगे हुए हैं, कुछ मोहम्मडन भी लगे हुए हैं, तमाम तबके के लोगों का इसमें पार्टिसिपेट भागीदारी अब है और हम लोग उचित मूल्य के ऊपर कपड़ा मुहैया कराते हैं। तो हम लोगों का एक दावा है कि कहीं भी हिंदुस्तान में ये कपड़ा पीस के माध्यम से इतना सस्ता पृथ्वी पे कहीं भी नहीं बिकता। सर ये क्या बात है, पृथ्वी में कपड़े की बात तो अपने की जहाँ देखिए, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहाँ पर भी धंधा है वहाँ पर मारवाड़ी जो है वो नंबर वन। हम लोग ये है कि मारवाड़ी ये है कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी अब वहाँ पहुँचता है मारवाड़ी। आप केदारनाथ बद्रीनाथ में भी ले लीजिए तो मारवाड़ी का दुकान मिलेगा, सिक्किम भूटान ले लीजिए तो, कहीं भी आप ले लीजिए तो, चाइना बॉर्डर के ऊपर भी देख लीजिएगा मारवाड़ी का दुकान। अब तो पूरा पृथ्वी ऐसा हो गया है, कोई भी प्रांत या कोई भी अब विदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे मारवाड़ी ना हो। सरकार ने अभी जो कदम उठाए हैं कुछ आर्थिक कदम, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आर्थिक कदम ये है कि जीएसटी का अच्छे हैं, जीएसटी का संग्रह भी होना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी में लागू किया गया, अगर सोच समझ के करते तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये अच्छा कदम भी है। लेकिन इसमें एक ही कमी है, इस संसाधनों में हम लोग जो फील कर रहे हैं, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि आप क्वार्टरली रिटर्न लें और क्वार्टरली हम लोगों से उसका पैसा लें, अभी नहीं हो रहा, या मंथली पैसा लें जैसे आप इनकम टैक्स का लेते हैं,
तो इन्होंने अभी किया है कि 5 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर वाले को मंथली चालान जमा करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट का, और वो टैक्स जमा करना पड़ेगा क्योंकि सरकार चलाने के लिए हमको पैसे की, राजस्व की सरकार को ज़रूरत है। तो व्यापारी उसमें कहीं कोई हिचक नहीं करता है, लेकिन मंथली रिटर्न जो 5 करोड़ से ऊपर है उसको ये भी जो मंथली स्टेटमेंट कर रखा है रिटर्न देने का, इससे निजात दिलानी चाहिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे हर मंथ आप टैक्स का इनपुट ले लीजिए, 12 महीने में रिटर्न दाखिल करवाइए। तो आपका ये कहना है मूल रूप से कि जल्दबाजी हो गई, थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, बाकी सारा काम ठीक है, बाकी कहीं भी व्यापारी चोर नहीं होता है। सरकार के द्वारा घोषित नीतियों का पालन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और हम उनको अमली जमा पहनाते हैं और पूरा राजस्व सरकार को देते हैं, इसलिए हम लोगों को कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक सवाल, सरकार मेरी है, हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी।